हेलो गाइज, वेलकम टू आर के साइबर कैफे। आज का हमारा टॉपिक है कि बिहार में जो है आर्मी अग्निवीर रैली जो है वो आपको इसका जो है स्टार्टिंग डेट और इसका जो है लास्ट डेट अब कब तक बचा है और किस ARO के अंतर्गत आपको कौन सा जिला आता है वो सारा चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट जो है आपको दिया हुआ है, पहले तो ARO बिहार में आपको चार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुजफ्फरपुर, दानापुर, गया और कटिहार। इसका जो है रजिस्ट्रेशन डेट आपको 5 अगस्त 2022 से चालू हो गया था। इसका लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो आपको 3 सितंबर 2022 दिया गया है और इसका एडमिट कार्ड जो है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जानेंगे कि किस ARO यानी कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस के अंतर्गत जो है कौन सा ज़िला आता है। यहाँ मुजफ्फरपुर के अंतर्गत जो है आपको मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण एंड शिवहर आता है। दानापुर के अंतर्गत आपको जो है पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सरन, गोपालगंज एंड वैशाली आता है। उसके बाद से गया के अंतर्गत आपको अरवल, अरुणागढ़, औरंगाबाद, गया, उसके बाद जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास एंड शेखपुरा आता है। कटिहार के अंतर्गत आपको अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा एंड सुपौल आता है। रैली का शेड्यूल जो है आपको यहाँ पे दे दिया गया है। मुजफ्फरपुर का रैली डेट जो है आपको 21 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के बीच होगा, ठीक है। उसके बाद दानापुर का आपको जो है रैली डेट 7 से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच होगा। गया का जो है आपको 2 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच होगा। कटिहार का जो है आपको 7 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच होगा। इसका जो है मिनिमम एज जो 17.5 साल अब की बार से किया गया है और इसका मैक्सिमम एज 23 साल, ये भी अब की बार से किया गया है, ठीक है। तो यह दोस्तों पोस्ट नेम और क्वालिफिकेशन जो इसमें दिया गया है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी जिसको GD बोलते हैं, इसका जो है एज लिमिट 17.5 से 23.5 साल दिया गया है। इसका हाइट आपको मिनिमम इतना होना चाहिए 169 सेंटीमीटर और वेट जो है आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट जो है आपका 77 होना चाहिए और चेस्ट फुला हुआ आपको 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो आपको जो है क्वालिफिकेशन जो इसमें मांग रहा है आपको क्लास 10 यानी कि आपका मैट्रिक पास होना चाहिए विथ 45% मार्क आपको होना चाहिए मैट्रिक में और कम से कम आपको जो है 33% मार्क हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा जो पोस्ट है वो है आपको अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स। इसमें इसके अंतर्गत जो है आपको 17.5 साल से लेकर 23 साल जो कि हर एक पोस्ट के लिए इतना ज़रूरी है और हाइट और वेट ये सारा चीज़ जो है आपको उतना ही ज़रूरी है। इसमें जो है आपको टेक्निकल में आपको 10+2 होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि आपको साइंस होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगर आपने ITI किया है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका अग्निवीर सोल्डर, क्लर्क, स्टोर कीपर एंड टेक्निकल, सारा चीज़ इसमें दिया गया है। इसका भी वही सेम प्रोसेस है। इसमें जो हाइट आपको कम दिया गया है जो कि 162 सेंटीमीटर दिया गया है, वेट उतना ही है और उसके बाद चेस्ट जो है वो भी उतना ही है। इसमें आप आर्ट, कॉमर्स और साइंस कोई भी रह सकते हैं, मतलब 12th पास आपको होना चाहिए और जो है आपका जो है हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क होना ही चाहिए। इसके बाद आपको ट्रेड्समैन आ जाता है जो कि 10th पास है। इसमें भी वो सारा चीज़ पहले वाला ही है। इसमें आपको 10th पास, सिंपल 10th पास होना चाहिए, उसके बाद और कोई क्वालिफिकेशन हो कि ना हो। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क होना चाहिए। उसके बाद है ट्रेड्समैन अग्निवीर जो कि 8वीं पास पे है। इसमें भी वो सारा चीज़ दिया गया है। इसमें आपको सिर्फ सिंपल 8वीं पास होना चाहिए और 8वीं तक का जो आपका हर एक सब्जेक्ट है उसमें आपको 33% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस में जो है आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग है जो कि आपको 5 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है, जो कि उसमें आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है
5 मिनट 31 सेकेंड में अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकेंड तक क्वालिफाई करते हैं तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स का इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है, तो आप जितना जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा। उसके बाद है पुलअप्स, इसमें जो है आपको 10 बार जो है पुलअप्स करना है। अगर 8 बार करते हैं 27 मार्क मिलता है, 7 बार करते हैं तो 21 मार्क मिलता है, 6 बार करते हैं तो 16 मार्क मिलता है। इसके बाद जो है 9 फीट डिच नीड टू क्वालिफाई, इतना आपको होना ही चाहिए। उसके बाद जो है जिग जैग बैलेंस, ये भी आपको होना ही चाहिए। इसके बाद जो है बस इतना ही दिया गया है इसमें। तो आज के वीडियो में बस इतना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।